आजकल सुबह उड़ते ही लोगों के पास सिर्फ एक ही काम है लगाने का। आप हो बने के खाने दो खाले हो ना हल्दर। हाँ मैं बेचरे से आ रहा हूँ, मैं हल्दर हूँ। मेरी लाट टूट गई थी जो कर में नीचे लाट, मैं कुंजाने गया था वहाँ से जो है कि यहाँ पे काफी तेज हवाएं चल रही हैं। तो आजकल अब लोग सरसों निकाल रहे हैं पूरे खेतों में और सामने वाली चोटियों पे, इस चोटी पे काफी बर्फ गिरी है और कल रात को काफी पाला गिरा था ना, तो सुबह को काफी ठंड हो रही थी, लेकिन अभी धूप देखिए चारों तरफ मौसम साफ है और काफी अच्छी धूप लगी है आज। आजकल सुबह उठते ही लोगों के पास सिर्फ एक ही काम है लगाने का। बाकी सामने चुपता गांव, बाकी सामने लोदला गांव में आज एक शादी भी है। यहाँ पे शादी नहीं सगाई है और ये है कड़कनाथ मुर्गा, सिर्फ एक ही पालक है भाई यहाँ पे। अब इन दो बैलों की आपस में भयंकर मस्ती चल रही है। दोपहर के ठीक ढाई बजे हैं और देखिए हम भी अभी अपनी छत में हैं और चारों तरफ का मौसम अभी देखिए भाई धीरे धीरे बादल आना शुरू हो गया है। तो आजकल अब लोग सरसों निकाल रहे हैं पूरे खेतों में, तो सरसों थोड़ा पहले हो जाता है, इसके बाद क्या होगा, तो अभी तो लोग सरसों ही निकाल रहे हैं। पर आज क्या कि दिन में ही ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई है। आप हो बने के खाने दो खाले हो ना, ना। बाकी भाई बारिश के बाद मौसम पूरा खुल गया है दो दिन से और यहाँ पे कुछ बंदर, ये बंदर है भाई, ये बंदर ना मुझे डरा रहा है यहाँ पे ना, जैसे मैं इसको भगाने जा रहा हूँ ये दांत दिखा रहा है अपने बड़े बड़े। तो बंदरों का भी बहुत बड़ा आतंक है, पूरे गांव में इतने बंदर हैं ना कि प्रत्येक के घरों में ये चोरी कर रहे हैं और खेतों में तो अलग कर रहे हैं पर घरों में भी सुबह इनकी एक चक्कर सब लोगों के घरों में चेक करते हैं। के बाद काफी खूबसूरत से लग रहे हैं पूरे खेत। मैं बेचरे से आ रहा हूँ, मैं हल्दर हूँ। मेरी लाट टूट गई थी जो कर में नीचे लाट, मैं कुंजाने गया था वहाँ से जो है कि ये है कि वो लाट भी लाया क्योंकि वो हमारी लाट है हमारी। दिन में आज लगातार मौसम चेंज होता जा रहा है और अभी
फिर से हवाएं चलने लगी। भाई बच्चों का आजकल देखो क्रिकेट वगैरह मैच और खेतों में लोगों ने गोबर भी डाल दिया है। यहाँ भी काफी तेज हवाएं चल रही हैं, तो उसी टाइम में यहाँ भी बारिश आ जाएगी। अब देखो भाई सामने वाली पहाड़ी में कितनी भयंकर बारिश लगी है। यहाँ सामने पूरी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे।